सुप्रभातम, ओम। आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से अपेक्षा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और हम अपने वीडियो शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण एक करेंगे, उसके बाद हम अपना वीडियो की शुरुआत करेंगे। आभार और अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी के प्रयास से ही आपका चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आप अपने चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। इस चैनल को आपकी प्यार की ज़रूरत भी है। इसको आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और करें, और आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। ये सबसे बड़ी बात है, जो हमारी वीडियो है उसे अपना स्वास्थ्य लाभ लें। तो हम उसी दरमियान आज फिर एक पतंजलि का प्रोडक्ट लाए हैं, जिस प्रोडक्ट का नाम है दिव्य ब्राह्मी चूर्ण। ब्राह्मी चूर्ण से जो व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर है, या बच्चे हों या बुजुर्ग जो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, वो कोई भी चीज़ें कहीं भी रख कर भूल जाते हैं, तो उसमें जो है यह बहुत ही सुंदर कार्य करती है। स्मृति वर्धक है ये दवा। और दूसरा, ऑफिस में काम करते हैं या विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, तो उनके लिए भी यह है। तीसरा, मिर्गी के पेशेंट जो हैं या जो बच्चे कमज़ोर दिमाग के हैं, पागलपन टाइप के हैं, उनको यह बहुत ज़्यादा लाभ करती है। मिर्गी के पेशेंट को लंबे समय तक देने से मिर्गी में आप खुद देखेंगे कि लाभ होता है। तो इसकी पैकेजिंग जो है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारी कंपनियों का आता है, कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। बस मेरे यहाँ यही आया हुआ था, तो मैंने इसका रिव्यू किया और आपको बताने का प्रयास किया है कि जो है इसके क्या क्या लाभ हैं और कैसे ये हमारे शरीर के ऊपर काम करता है। तो लाभ के बारे में मैंने चर्चा की, मिर्गी के रोगी, पागलपन, बच्चे जो दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, हमारी मस्तिष्क में सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम की मांसपेशियों को यह जो है मजबूती प्रदान करता है। मांसपेशियां जो उससे जुड़ी हुई हैं उसको जो है बहुत ही ताकत प्रदान करता है, ताकि हमारी सेरिबेलम अच्छी ढंग से कार्य कर सके। और मेंटल डिजीज में यह बहुत लाभ करता है। तो इसमें 100 ग्राम जो है ब्राह्मी चूर्ण है केवल, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलाया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग ब्राह्मी चूर्ण का पैकेजिंग, और इसकी प्राइस 40 रुपये है, जो कि घटती बढ़ती रहती है। तो मौसमानुकूल है, जब ज़्यादा उपलब्ध होता है तो घटाते हैं, जब कम उपलब्ध होता है तो बढ़ाते हैं। इसके डोज की बात करें तो इसको एक से दो ग्राम लेना है, रात्रि दूध के समय या गर्म पानी के साथ, और सुबह में दूध के समय या गर्म पानी के साथ, दिन में दो बार। और इसको सेवन करने से पहले आप वैद्य की सलाह ज़रूर ले लें। इसको यूज करने के बाद, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं रेगुलर, तो इसको यूज करने के बाद इसको टाइट बंद कर देना है। और ये इंडिया में निर्मित है, भारत में निर्मित है, तो आप सभी इसका सेवन करें और इससे लाभ जो हो उसको बताएं, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इससे आपको लाभ हुआ है। और मैंने तो इसको यूज किया है और अच्छी रिस्पॉन्सिबल दवा है, तो आप सभी यूज करें। और आप सभी को बताना चाह रहा था कि योग आयुर्वेद से संबंधित वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ रही थी, तो चूँकि
हम जो है स्टूडेंट भी हैं, हमारा पढ़ाई भी चल रहा है, तो यूट्यूब यूट्यूब पे थोड़ा सा कम ध्यान था, कुछ काम था पढ़ाई से रिलेटेड। तो आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, आपको ज़रूर आगे कुछ ना कुछ वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, और वीडियो को ज़रूर देखें। थोड़ा सा इस समय कुछ वीडियो पे व्यू बहुत कम आया है, तो हम कहना चाहेंगे कि आप सभी हमारे वीडियो को देखें, ताकि हमको भी जो है अंदर से ऊर्जा आए कि हाँ भाई लोगों को बताना है, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करें। आप सबों का लाइक और सब्सक्राइब और व्यू ही यूट्यूबरों के लिए एनर्जी का कार्य करता है। इसी सबके साथ मैं आपके साथ एक अद्भुत अवसर भी ब्राह्मण चूड़ी का रिव्यू लेकर आया था, कैसे लगी रिव्यू ज़रूर बताएं, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, ओम प्रणाम।